सच? वो मान गए? नहीं तो मैं तुम्हें आज कुछ गुड़ बताने वाली थी जिससे वो मान जाए। अच्छा हुआ कि जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं तो मैं खुश नहीं लग रहा। मैं खुश हूँ ऑब्वियसली यार। तो फिर ये बताओ कि हम तारीख कौन सी पक्की कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अम्मा को है बहुत जल्दी। माहिन की अम्मा ने आके ना शोर बहुत मचाया है घर पे, तो अब अम्मा को टेंशन है कि कहीं मोहल्ले वालों को पता ना लग जाए। बात तो सही है उनकी। आई थिंक एक दो दिनों में आ जाएंगे मेरे घर वाले तुम्हारे घर पे इंशाल्लाह। ठीक है, बस शादी थोड़ी सादगी से करेंगे। क्यों? तुम्हारी दूसरी शादी है, मेरी तो पहली शादी है ना, मेरे कुछ अरमान होंगे। आई नो यार, समझता हूँ, लेकिन सिचुएशन तो देखो कैसी है, निकाह कर लेंगे। चलो रहने दो, वैसे भी तुम मेरे साथ होगे तो हर दिन ईद के जैसा होगा। इन लोगों को जो करना है ना करने दो। एक और बात भी है। अब क्या हो गया? अब्बा शादी के लिए तो मान गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं शादी कर सकता हूँ लेकिन माहिन को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्या मतलब? आहिस्ता बोलो यार, सब सुन रहे हैं। वो शर्त रखी उन्होंने। तुमने शर्त की मान तो नहीं ली? रोशनी, अब्बा ने मेरी इतनी बातें मानी लेकिन ये वाली बात मेरे इख्तियार में नहीं है, ये उनका फैसला है।